हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल स्टडी हेल्प यू। स्टडी हेल्प यू चैनल आपन मन को आउ एक नुवा वीडियो सहित स्वागत जणुछि। मु महेश देखिनि अंतु आज रो वीडियो रे आमी डिस्कशन करबा को जाउछे दशम श्रेणी भूगोल बय रो पंचम अध्याय शक्ति संबल। एहा संपर्क रे आमी बहुत भलो भाबे आलोचना करिया। वीडियो टी शेष पर्यंत देखिया पय अनुरोध। जदि वीडियो टी भल लागे लाइक एवं शेयर कर देबे। जदि आमो चैनल को प्रथम थरा पय आस्तेबे चैनल को सब्सक्राइब करिया को बोलिबे। पिले माने शक्ति संबल संपर्क रे जदि एहा पूर्व रो आपन माने वीडियो देखिनांति अर्थात एहा रो पार्ट 1 थारु पार्ट 3 पर्यंत जदि वीडियो देखिनां तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तार लिंक पाइ जिबे। से वीडियो गुड़ी को आप देखिपारे। तो चलते ये वीडियो टी आपर पार्ट 4 को आलोचना करिबा बा डिस्कशन करिबा। देखिनियो आज वीडियो रे आमी प्रथमे आलोचना करिबा पेट्रोलियम संपर्क रे। एहा पूर्वर आमी कोइला संपर्क रे बहुत भलो भाबे आलोचना करि सारी छे। देखिनियंतु ए जो पेट्रोलियम शब्द टी दुईटी शब्द रे मिलन रे हेछि, गोटे हला पेट्रा आ गोटे हला ओलियम। पेट्रा रो अर्थ आमी शिला जानिबा को पाउछे एवं ओलियम रो अर्थ होछि तैल बा तेल अंश। तेणु पेट्रोलियम को गोटे शब्द रे आमी जदि कंबाइन करिबा बा ताकु कहिबा बा एक्सप्रेस करिबा ता होछि खनिज तैल, अर्थात खनिज तेल बा खनिज तैल मध्ये आमी कहि पारिबा। निश्चित रूपे देखि पारिले जे खनिज तैल आमी काहु कहुछे पेट्रोलियम को मध्य कही पारे। द्वितीय कौन देती पेट्रोलियम कोईला पक्ष को भारत में शक्तिर अन्य एक मुख्य उत्स। जो भाव में आम पूर्व आलोचना करते कोईला हूँ गोटे शक्तिर मुख्य उत्सपर पर आम किए रही पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक शक्तिर मुख्य उत्स अटे। तृतीय कथा आलोचना करवा इंधन हिसाब से पेट्रोलियम उभय ताप और आलोक दे था। इंधन हिसाब से आमको पेट्रोलियम कौन देता है ताप और ता सहित आलोक प्रदान करें आम पेट्रोलियम पाई। छड़ा एहा एक उत्तम घर्षण ह्रासक लुब्रिकेंट भाव में कल कब्जे विभिन्न प्रकार मेसीनारी पार्ट्रे व्यवहृत होता है। तेणु पेट्रोलियम को आम घर्षण ह्रासक घर्षण ह्रासक लुब्रिकेंट भाव में कल कब्जे व्यवहृत करल भाव पिले मन रखिद। द्वितीय तापर देखंतु तापर पॉइंट आमर पई बहुत इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट तथ्यटी कौन पेट्रोलियम विशोधनागार क्यों क्षेत्र में कंचामाल भाव में व्यवहृत होता है। विशोधनागार कृत्रिम वस्त्र तैयारी करिवारे सार एवं अनेक रासायनिक शिल्प पई बा विभिन्न प्रकार केमिकल इंडस्ट्री पई कंचामाल बा र मटेरियल भाव में कार्य लगी था बा यही सब कार्य पई कंचामाल जोगाई दे थाए ता होची आपनकर पेट्रोलियम। भल भाव मन रखिले पेट्रोलियम विशोधनागार कृत्रिम वस्त्र सार एवं अनेक रासायनिक शिल्प पई कंचामाल जोगाई थाए। तापर देखंतु टर्सियारी विभिन्न प्रकार युग आम आलोचना करते दुईट युग कथा पूर्व आलोचना करते से दुईट युगर ना आप कमेंट बक्स जरिए कमेंट्रे पारे कौ युग आम आलोचना करते जितेबाड़ कोईला कथा आम आलोचना बा डिस्कसन करते टर्सिया युगर टर्सियारी युगर सृष्टि होता शिलार भूभ्रंश और बृहत आकार बृहत आकार भांगगुड़िक पेट्रोलियम मिले। आम देखा क्योंठे पेट्रोलियम पाइपारे पेट्रोलियम आम यही जगार पाइपे बिले आमर जो टर्सियारी युगर सृष्टि होता शिलार भूभ्रंश और बृहत आकार भांगगुड़िक जो बृहत आकार बड़ बड़ आकार भांगगुड़िक आम पेट्रोलियम देखा पाई। निश्चित रूपे आप भल भाव जापर थे क्यों स्थान से गुड़िक रही थापर देखु बृहत आकार भंगर गंबुज मध्यस्थ ऊपर अंशे पेट्रोलियम गच्छित हो रही है। जो बृहत आकार भंग कथा आम आलोचना करे तार जो रही गंबुज गंबुज भितर ऊपर अंशे आम पेट्रोलियम गुड़िक संचित हो रही है। छिद्रयुक्त पथर चूनपथर कि बालुका पथर बालीपथर में पेट्रोलियम देखा आम पाई। आपने भल भाव में मन रखि दिंतु जो छिद्रयुक्त चूनपथर कि बालुका पथर में आम पेट्रोलियम को देखा पाई दृश्यमान होता है। यही शिलास्तर निम्न शिलास्तर निम्न तल अंशे और ऊपर अंशे अभेद्य शिलास्तर रही जदि अभेद्य शिलास्तर निम्न कि ऊपर अंशे आमर यही अभेद्य शिलास्तर रही जाए कौन हुए ना पेट्रोलियम ऊपर को किंबा तल को गति करिपारे ना। ओके नेक्स्ट रही कौन देखूँ बासे इन जहाँकि रही बॉम्बे हाईर दक्षिण से मन रखु बॉम्बे हाईर दक्षिण रहीगला आपंकर बासे इन आउ गोटे स्थान कथा कहुई आलियाबेट आलियाबेट रही आपंकर भावनगर दक्षिण से भावनगर दक्षिण रही आलियाबेट और बॉम्बे हाईर दक्षिण रही बासे इन यही दुईट हूँ अपतट खणी तैल खणी जो तैल खणी हूँ अपतट अर्थात तट तक निकटवर्ती नुहति तट बा कूल निकटवर्ती नुहति आम अपतट बोली कही था। आंकलेश्वर गुजरात रो मुख्य खनिज तैल उत्पादन क्षेत्र तेणु गुजरात रो जदि कहा जाए गुजरात रो मुख्य खनिज तैल उत्पादन क्षेत्र किए आप मन रखिए और भल भाव बुझे एटा हूँ से स्थान हूँ आंकलेश्वर। आंकलेश्वर हूँ गुजरात रो मुख्य खनिज तैल उत्पादन केन्द्र
ଚାପା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥାକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଖଣିଜ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସାମ ସର୍ବପୁରାତନ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟଟି ସର୍ବପୁରାତନ ରାଜ୍ୟ ଯିଏକି ଖଣିଜ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଖଣିଜ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆସାମ ଓକେ ନେକ୍ସଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସାମର କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ଆସାମରେ ଦିଗବୋଇ ନହରକାଟିଆ ମୋରାନ ଦୁଜିଆ ଦୁଲିଆଜାନ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଗ୍ରିଜାନ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ ବା ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଆସାମର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ଗାର ମାରିଦେଉଛି ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଉ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ମହାନଦୀ ଗୋଦାବରୀ କୃଷ୍ଣା ଓ କାବେରୀ ନଦୀ ତ୍ରିକୋଣଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ଖଣିଜ ତୈଳର ଭଣ୍ଡାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଦାବରୀ କୃଷ୍ଣା ମୁହାଣ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରାୱା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 3 ନିୟୁତ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍‌ରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ତୈଳ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଦାବରୀ କୃଷ୍ଣା ମୁହାଣ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରାୱା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ରାୱା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 3 ନିୟୁତ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍‌ରୁ ଅଧିକ ତୈଳ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି କେଉଁ ଜାଗା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଦାବରୀ କୃଷ୍ଣା ମୁହାଣ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରହିଥିବା ରାୱା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ରାୱା ସେକ୍ଟରରେ ପ୍ରାୟ 3 ନିୟୁତ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍‌ରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ତେଲ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ମାନେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି ଆଉ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାମପୁର ପଞ୍ଜାବର ଜ୍ୱାଲାମୁଖୀ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟର ବାରମେର ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ତା ସହିତ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ମାରନାରର ଉପସାଗର ବାଲେଶ୍ୱର ଯାହାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳ ଅର୍ଥାତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଜୁରାଟରୁ ମିଳୁଥିବା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଟ୍ରମ୍ପେ ଏବଂ କୋୟାଲିଠାରେ ଥିବା ବିଶୋଧନାଗାରରେ ବିଶୋଧିତ ହୋଇଥାଏ ଗୁଜୁରାଟରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ପାଇଥାଉ ତାହା ଟ୍ରମ୍ପେ ଏବଂ କୋୟାଲିଠାରେ ରହିଥିବା ବିଶୋଧନାଗାରରେ ଆମେ ବିଶୋଧନ କରିଥାଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଯାହା ତଥ୍ୟ ରହିଗଲା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ବା ତାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର